हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे महत्वपूर्ण गैस के नाम एवं सूत्र। तो महत्वपूर्ण गैस के नाम एवं सूत्र जानने वाले हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। मैं अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, जितने भी ये सब क्या गैसों के नाम है, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का होता है O2। और जो आपका नाइट्रोजन गैस है, इसका फॉर्मूला होता है N2। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। और जब का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO2 होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा? CO होगा। और जब का सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका होगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो NO2 हो जाएगा। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 हो गया। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होता है NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। N2O को ही बोलते हैं लाफिंग गैस। इस गैस को सूंघने पर जो है हंसी आता है। अब नेक्स्ट क्लोरीन का सूत्र क्या हो जाएगा? Cl2 होता है। और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है सूत्र? तो हाइड्रोजन क्लोराइड को होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होगा? NH3 होता है। और जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। अब प्रोपेन का होता है C3H8 होता है। अब मीथेन, तो मीथेन का होता है CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। आपका एक है ओजोन, ओजोन गैस के नाम सुने होंगे। तो ओजोन का क्या होता है? ओजोन का होता है O3। ओजोन का याद रखिएगा, फॉर्मूला O3 होता है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण गैस के नाम एवं सूत्र। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेट थैंक्स फॉर वॉचिंग।